हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस, हिस्ट्री चैप्टर 5. इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इस पेंटिंग अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो आपको इजी होगा समझने में. जैसे कि आपको ये पेंटिंग में यहाँ पे दिखाई दे रही है एक लेडीज जिसको देवी का रूप दिया गया है. उसके हाथ में फ्लैग है और एक टायर पे खड़ी है जिसके दो विंग है जो कि फ्यूचर में जाने को शो ऑफ करती है. यहाँ पे पीछे जो भी पेंटिंग्स में चीज़ें दिखाई हैं ये मॉडर्न टेक्निकल को शो करता है कि हाँ कितना न्यू चेंजेस आ रहा है इंडस्ट्री में. तो इस पिक्चर को नाम दिया गया है डॉन ऑफ द सेंचुरी और ये शो करता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंजेस आएंगे वो शो करने की कोशिश की है. इसे किसने पब्लिश किया था? ईटी पॉल ने पब्लिश किया था जो कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर म्यूजिक पब्लिशर थे और इन्होंने इस पिक्चर को कवर पेज पे यहाँ लिखा है डॉन ऑफ द सेंचुरी. तो इस इलस्ट्रेशन से उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है, देवी का रूप बताया है इनको, एक जो एंजल है और इन्होंने फ्लैग पकड़ा हुआ है हाथ में और व्हील पे खड़ी हुई है जिसके दो विंग्स हैं और ये जो फ्यूचर को शो ऑफ करने के लिए बनाई गई है और इसके बारे में जो पीछे साइन दिए गए हैं वो प्रोग्रेस को शो करते हैं. रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री के, यानी अब मॉडर्न की वजह से मॉडर्न जो हो रहा है वो कितनी हिसाब से चेंज हो रहा है. अगर हम इसको समझने से पहले इसके कीवर्ड्स को समझ लें, साइड में लिखे हुए हैं तो भी ईजी होगा. जैसे कि ओरिएंट है, ओरिएंट का मतलब है ईस्ट एशिया कंट्री में. मेडिटेरियंस एक वर्ड है जिसको बोला जाता है वहाँ पे रहने वाले पीपल्स का जो कि वहाँ पे ईस्ट एशिया में रहने वाले पीपल्स हैं, तो वो ओरिएंट है. और एशिया यानी जो मॉडर्न ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है, इसीलिए इस दोनों टर्म्स को इसके अंदर समझेंगे. सेकंड पैराग्राफ में है द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्निक. Technology is even more marked in picture that appeared page of magazine. Orient means आपको बताया गया ये Mediterranean एक ऐसा ईस्ट में वर्ड है जो कि यूज किया जाता है एशिया के वेस्टर्न पॉइंट को, व्यू पॉइंट को, कि वहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है, मॉडर्निटी आ रही है, ट्रेडिशंस है और मिस्टीरियस है. तो ये की वर्ड है ओरियंट जो कि यूज किया जाता है. ग्लोरिफिकेशन जो मशीन की टेक्नोलॉजी है पिक्चर में तो आपने देख ही ली है और जो कि हंड्रेड्स ईयर्स अगो यानी 100 साल पहले को इन्होंने जो ट्रेड मैगजीन के जो कवर अप है वो दिखाने की कोशिश करी है. दो अब जो हम आगे पढ़ेंगे, एक मैगजीन है जिसमें अपने कवर पे ये दिखाने की कोशिश करी है. दो मैजिशियंस हैं और जैसे कि टॉप पे अलादीन है और उसने ओरिएंटेड रूप बिल्ड, जो कि वो ओरिएंट है और उसने बिल्ड करा है बहुत सुंदर सा पैलेस. जैसे कि अभी आप इस पिक्चर में आप देखेंगे ये एक यहाँ पे टू मैजिशियंस हैं. एक तो ये अलादीन है जिसने अपने मैजिक से यहाँ पे पैलेस बनाया है और ये एक आज का मैन है जिसने अपनी न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया है. तो ये दो पिक्चर्स हैं जिससे शो किया गया है मैजिशियंस की. बॉटम ये एक मैगजीन में इन्होंने प्रिंट करके दिखाया है मैजिक लैम्प से जैसे कि, और जो बिल्ड ये ब्रिज और शिप बनाए जाते हैं. तो दोनों को कंपेयर किया गया है यहाँ पे, साफ साफ बताया गया है कि किस तरीके से ईस्ट पार्ट को पास्ट में दिखाया गया है और वेस्ट पार्ट को मॉडर्निटी में दिखाया गया है. तो ईस्ट और वेस्ट दोनों स्टैंड करते हैं. मैकेनिक ये मैकेनिक पे स्टैंड करता है और ये मजिशियंस पे स्टैंड करता है. तो दोनों मॉडर्निटी दिखाई गई है कि भाई हाँ क्या इनकी मॉडर्निटी है. तो ये मैगजीन में प्रिंट किया हुआ है और इसमें कंपेयर किया गया है दोनों को. और इसमें ये भी दिखाया है इमेज में कि जो भी ट्रायम्फ है, जो जीत है मॉडर्न वर्ल्ड की, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ही है. और जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, यानी जितने अब सर्च हो रही हैं, मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, रेलवे हैं, स्टीम शिप्स हैं, तो ये इनको एसोसिएट किया गया है कि वर्ल्ड अब इसकी तरफ जा रहा है. द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकम्स सिंपली अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. सीधे से पता चलता है कि अगर हम देखें उसकी हिस्ट्री उठा के इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो वो सीधा डेवलपमेंट को शो करता है. मॉडर्न एज ऑफ अपीयर एज अ मॉडर्न टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी
प्रोग्रेस, यानी अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को सीधा डेवलपमेंट मानते हैं तो मॉडर्न एज अगर अपीयर होती है तो वो एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के साथ होगी। इस इमेज में इमेज का एसोसिएशन किया गया बिकम अ पार्ट ऑफ पॉपुलर इमेजिनेशंस, इसमें कल्पनाएं की गई हैं कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। जबकि इसमें बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन, डू यू सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी, क्या सच में ही अगर तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो क्या प्रोग्रेस और मॉडर्निटी होती है? क्या इन्होंने बोला है जो रेलवे और फैक्ट्री है वो स्प्रेड होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का अगर बढ़ जाता है, ब्रिज और साइन ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट, तो ये सब होने से क्या सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है? फिर उसके बाद बोला है जो इमेज, हाउ दीज इमेज डेवलप, ये इमेज कैसे डेवलप हुई और रिलेटेड टू आइडिया, आप कैसे इसको रिलेट करोगे अपने आइडिया से, एंड इंडस्ट्री ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और हम मानते हैं कि इंडस्ट्री किस पर बेस होती है, बहुत तेजी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे क्या डेवलप होती है? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू टूडे कंटिन्यू ग्लोरीफाई कंटिन्यू मैकेनाइज्म ऑफ ऑल वर्क, यानी कंटिन्यू ग्लोरीफाई कंटिन्यू मैकेनाइज्म सारा वर्क हो रहा है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीन पीपल्स की लाइफ से क्या है? और इस सबके क्वेश्चन के आंसर अगर हम पढ़े तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में टर्न होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, फोकसिंग करेंगे फर्स्ट ऑन ब्रिटेन एंड द फर्स्ट इंडस्ट्री नेशंस, क्योंकि ब्रिटेन को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उस टाइम पे इंडिया कॉलोनियल था। कॉलोनियल का मतलब होता है कि जब कोई किसी को अपना गुलाम बना लेता है, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को बनाया था तो वहीं से सारा सामान लेता था और उसी को यूज करता था, वहां से अपनी जरूरतों का सामान बनवाता था और वही इंडस्ट्री में अपने यहाँ पे यूज करता था, एक्सपोर्ट करना और इम्पोर्ट करना। तो ये काम इंडिया के लिए ब्रिटेन से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे डीपली। नेक्स्ट पॉइंट में है रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन जो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर इंडस्ट्री आने से पहले का जो रेवोल्यूशन था वो क्या था? मेन प्रोटो मीन्स क्या होता है? इंडिकेट द फर्स्ट अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, यानी जब हमें पता चल जाता है कि हम कोई भी समय स्टार्ट होने से पहले की अगर बात करते हैं, यानी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से पहले का जो टाइम है वो पूछा है कि जब इंडस्ट्री थी नहीं तो तब उस टाइम पे क्या था। तो इन्होंने बोला है कि इंडस्ट्री प्रोडक्शंस भी रेफर टू फैक्ट्री प्रोडक्शंस, हम बात करें तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन का मतलब है कि वो फैक्ट्री प्रोडक्शंस की बात होती है, रिलेट होता है उससे। अगर हम इंडस्ट्री वर्कर्स की बात करें तो वो भी फैक्ट्री वर्कर्स से रिलेटेड टॉक करेंगे। और हिस्ट्री जो हिस्टोरीज हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो स्टार्ट हो जाती हैं सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के स्टार्ट होने का मतलब है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है तो इसका मतलब फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि बिफोर फैक्ट्री बिगन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप, वहाँ पे जो लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन था इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता था, लेकिन बिफोर फैक्ट्री कैसे जाता था यहाँ पे? क्योंकि व्यापार तो यहाँ पहले से ही होता था, काम तो फैक्ट्रीज में स्टार्ट हो चुका था, जबकि यहाँ पे इंडस्ट्री आई नहीं थी क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करती है फैक्ट्री, लेकिन यहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री स्टार्ट होने से पहले फैक्ट्री लग चुकी थी, तो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड भी होता था, वो कैसे होता था? यानी जब तो ये सेटअप भी नहीं था तो बेस ऑन फैक्ट्रीज के बेस पे ही, लेकिन कैसे होता था? तो जो भी काम होता था, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं भी था और तब भी फैक्ट्रीज में काम होना शुरू हो गया था इंग्लैंड में और यूरोप में, तो उसको कहा जाता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी रेफर करना कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की और से पहले का जो टाइम था। अब 17 और 18 सेंचुरी में मर्चेंट जो थे वो शहर से हुआ करते थे, यूरोप में मूव करते थे कंट्री साइड, यानी गांव में जाया करते थे, सप्लाई मनी टू पीजेंट्स को, आर्टिजन और परस्यूडिंग उन्हें काम करने के लिए बोला करते थे काम करने के लिए, एंड इंटरनेशनल मार्केट में उस चीज को सप्लाई करते थे। With the expansions of world trade and the acquisitions of colonies in different parts of the world, इस तरीके से world trade expansions हुआ और बढ़ा, क्योंकि शहर में तो काम होता था लेकिन merchant गांव से related लोगों से ही काम कराते थे, उनसे ही कच्चा माल raw materials तैयार करवाया जाता था, और the demand for goods की जो फिर इस तरीके से growing होने लगी, और merchants जो could not expand production with towns, सिर्फ मर्चेंट जो थे वो एक्सपेंड करना चाहते थे प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्शंस सिर्फ शहर में ही नहीं करते थे, जबकि वो अर्बन क्राफ्ट्स ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। उन्होंने बोला कि जो मर्चेंट्स हैं वो अपना काम एक्सपेंड नहीं कर सकते थे अगर वो चाहें तो, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो क्राफ्ट्स अर्बन में जो शहर में
क्राफ्ट्स पर्सन और जो गिल्ड्स हुआ करते थे वो बहुत पावरफुल होते थे, वो किसी को भी ओवर अपने ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, किसी और नए ट्रेडर्स को काम करने के लिए अलाउड नहीं था, परमिशन नहीं थी। तो एसोसिएशन जो ट्रेनिंग जिसको देती थी, क्राफ्ट्स पीपल मेंटेन करके रखते थे, प्रोडक्शंस को रेगुलेट, कॉम्पिटिशंस, प्राइस को रिस्ट्रिक्शन था कि कोई भी न्यू पीपल एंटर नहीं करेगा ट्रेड में। तो इसलिए मर्चेंट्स अपना काम शहर में नहीं एक्सपेंड कर सकते थे। रूलर ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड द मोनोपोली, रूलर्स जो थे वहाँ पे जो रूल जिनका ज़्यादा चलता था शहर में, उन्होंने मोनोपोली कर रखी थी और राइट अपना ट्रेड पे बना रखा था, प्रोडक्ट पे अपना सी स्पेसिफाई कर रखा था। इट वॉज देयर फॉर, इसलिए बहुत डिफिकल्ट था मर्चेंट्स के लिए सेटअप करना बिजनेस शहर में, इसलिए वो गांव में टर्न करने लगे, गांव में जाके काम उन्होंने करना स्टार्ट करा। और जो वहाँ के पुअर किसान थे और जो कारीगर थे, वर्किंग फॉर मर्चेंट्स, ये काम करने के लिए क्यों राजी हो गए? वो काम करने के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि पहले जो थे कॉमन ओपन फील्ड थे वो खत्म होते जा रहे थे और अब कॉमन फील्ड्स यानी एनक्लोज हो रहे थे। अब एक छोटे छोटे जो फील्ड थे उसको बंद करके एक फील्ड बनाया जा रहा था। एक फील्ड में जब कॉमन लैंड में सब मिलकर काम करते थे, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि फायरवुड, बेरी, वेजिटेबल, हे, स्ट्रॉ, ये सब चीज़ें वो कलेक्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि अगर अलग फील्ड हो तो जितना भी वो कमाएंगे वो उनका ही होगा, लेकिन अगर एक साथ सारे फील्ड मिला दिए जाए और फिर काम करेंगे तो हिस्सा बढ़ जाता है और जिससे उनका गुजारा नहीं होता था। तो इसीलिए वो एक पीजेंट आर्टिजन मर्चेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम का उनके पास आ जाता है कि चलो हमारे पास कम से कम एक ऐसा सोर्स है जिससे हम अपना गुजारा कर सकते हैं। और जिनके जो छोटे छोटे लैंड थे वो वैसे भी उनके मेंबर जो थे उन प्रोवाइड जो वर्क था, छोटे छोटे लैंड थे कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर्स, को जब भी काम नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, इनके ऑफर जो एडवांस मिलता था मर्चेंट से, इन्होंने इनको एक्सेप्ट कर लिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। और पीजेंट जो है ईगरली बहुत ज़्यादा एग्री हो गए कि हाँ हम काम करने के लिए तैयार है। मर्चेंट ने वहाँ से काम करना शुरू करा और विद इन द सिस्टम ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, इससे बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया टाउन में और शहर, गांव में और शहर के बीच में। मर्चेंट जो थे वो टाउन के बेस में थे बट वर्क वॉज मोस्टली कंट्री साइड, लेकिन वो रहते तो टाउन में थे लेकिन काम करते थे गांव के लोगों के साथ। और क्लोथियर एंड इंग्लैंड परचेज वूल, जैसे कि जो मर्चेंट है अगर इंग्लैंड से कपड़ा परचेज करना है तो उसके लिए पहले उसे एक स्टेपलर, यानी स्टेपलर का मतलब होता है जो कि एक इकट्ठा करता है, स्टेपलर यानी एक पूरा वूल का जो शॉर्ट होता है उसको एक साथ पिनअप करता है, फुलर जो होता है वो गैदर करता है, प्लेटिंग करता है, उसकी कार्डिंग यानी जो भी प्रोसेस होता है उसके कॉटन का वूल का उसको तैयार करना, धागा बनाना। तो ये अलग अलग प्रोसेस होते थे मर्चेंट के लिए। अगर इंग्लैंड में कपड़ा तैयार हो रहा है तो उससे पहले परचेज करता है तो वूल फ्रॉम कहाँ से करेगा, उसके लिए पहले स्टेपलर से वूल लेगा और उसके बाद स्पिनर यानी धागा बनाने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद फिर फुलर को डाई करने के लिए डायर्स को दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे काम करने होते थे और फिनिशिंग लंदन में होती थी, इसीलिए मर्चेंट्स जो सोल्ड करते थे क्लोथ इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट बाद में कर सकते थे, सॉरी बिफोर द एक्सपोर्ट, मर्चेंट एक्सपोर्ट करने से पहले उसको फिनिशिंग की जाती थी लंदन में और फिर वो सोल्ड कर देते थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो लंदन मेन फिनिशिंग सेंटर माना गया जहाँ पे फिनिशिंग देने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाता था। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज, ये वो सिस्टम था प्रोटो इंडस्ट्री का, यानी जब तक इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले काम कैसे होता था, मर्चेंट्स काम कैसे कराते थे। तो स्टूडेंट्स आपको ये माइंड में ध्यान रखना है प्रोटो इंडस्ट्री सिस्टम, क्योंकि अंडरलाइन कर लेना है फर्स्ट। अभी जो आपको सिर्फ इसके अंदर हाईलाइट किया है कि प्रोटो इंडस्ट्री क्या होता है, तो आपने देखा किस तरीके से लंदन में काम होता था पूरा प्रॉपर, लास्ट फिनिशिंग लंदन में होती थी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मर्चेंट जो होते थे वो गांव में जाते थे, उनके साथ काम कराना, उन्होंने क्यों एग्री करा, तो ये सारे आपको उसमें बता दिए गए हैं पॉइंट। अगर आप इनको देख लेंगे तो आपको प्रोटो इंडस्ट्री समझ आ जाएगी। सिर्फ इसके अंदर हमने प्रोटो इंडस्ट्री पढ़ा है जिसके अंदर कंट्रोल जो मर्चेंट्स ने अपना कर रखा था वर्किंग फैमिली के साथ, जबकि फैक्ट्री नहीं थी। तो ये वो टाइम है जब फैक्ट्री नहीं थी और सिर्फ 20-25 वर्कर्स जो एम्प्लॉय होते थे मर्चेंट्स के नीचे काम करते थे और उन्होंने कंट्रोल कर रखा था हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स ईच क्लॉथर, यानी एक क्लॉथर्स के पास कम से कम 100 ऑफ वर्कर्स थे और ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जो होती थी 20-25 वर्कर एम्प्लॉयड होते थे ईच मर्चेंट के पास। तो ये सब जो
कंट्रोलिंग आप देख रहे हो ये सिर्फ है प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम से पहले की बात। अगर हम बात करें कि भैया फैक्ट्री कैसे आ गई, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1.1 से द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री कैसे आई, अभी तक इससे पहले फैक्ट्री नहीं आई थी लेकिन अब फैक्ट्री आने लग गई। अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड में जो आई थी सबसे पहले 1730 से तक आनी स्टार्ट हो गई थी एंड 18 सेंचुरी तक तो फैक्ट्रीज मल्टीपल हो गई, बहुत इंक्रीज हो गई। सबसे पहले जो युग आया कॉटन का आया और वहाँ तो 19 सेंचुरी तक तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी बाढ़ सी आ गई। 1760 से ब्रिटेन ने इतना करा रॉ मटेरियल, इतना पाउंड कर लिया, उसके बाद 1787 में 22 मिलियन हो गया और इस तरीके से धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज हुआ। तो यानी अब इन्वेंशन होने लगे थे, जैसे 18 सेंचुरी में इंक्रीज हो गया सेटअप, कार्डिंग, ट्विस्टिंग करना, स्पिनिंग करना, रोलिंग करना, ये सब इंक्रीज हो गया था। आउटपुट पर वर्कर्स भी इंक्रीज हो गया था। अब जो भी स्ट्रॉन्गर थ्रेड था, यान था, वो पॉसिबल था। पहले मोटा धागा होता था लेकिन अब फैक्ट्रियों में धागा अच्छा सा मोटा सॉरी थिन थ्रेड बनना आसान था। जैसे कि रिचार्ड आर्कराइट क्रिएट अ कॉटन मिल, उसने कॉटन मिल बनाई टिल दिस टाइम, इस टाइम तक तो क्लॉथ प्रोडक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड, यानी गांव तक भी और जगह भी ये फैलने लगा आउट विद इन द विलेज हाउस होल्ड। अभी तक तो सिर्फ गांव में ही हाथों से काम होता था लेकिन अब जब से रिचार्ड आर्कराइट ने क्रिएट करा कॉटन मिल तो अब बहुत ही ज़्यादा काम होने लगा था आसान। लेकिन ये कॉस्टली थी, न्यू मशीन कुड बी परचेज करनी पड़ती थी, सेटअप करनी पड़ती थी, इसको मेंटेन करना पड़ता था। तो इसे मिल में सेटअप करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इसको सेटअप करने से अच्छा है कि जो लोग काम गांव में काम करते हैं वो इस प्रोडक्शंस को इजीली कर सकते थे और सस्ते में कर सकते थे। तो प्रोसेस वर ब्रॉट टूगेदर अंडर वन रूफ। लेकिन ये भी था कि अगर ये मशीन सेटअप कर लेते हैं तो एक ही छत के नीचे काम हो सकता था, आसानी से मैनेज हो सकता था और सुपरविजन कर सकते थे कि भी प्रोसेस कैसा हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको रेगुलर रेगुलेशंस आ रहा है, लेबर काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो डिफिकल्ट टू डू प्रोडक्शन वॉज इन कंट्री साइड, लेकिन ये सब डिफिकल्टी कंट्री साइड में गांव करने वाले लोगों के साथ ही, क्योंकि उनको एक साथ हम सुपरविजन नहीं कर सकते थे, मैनेज नहीं कर सकते थे और ये भी नहीं दे सकते थे कौन कितना काम कर रहा है, कितनी जल्दी से कर रहा है। तो गांव की साइड में ये नहीं कर सकते थे लेकिन अगर हमने सेट कर लिया व्हील तो ये कॉटन मिल में अगर वो मशीन सेटअप कर ली तो काम ईजी हो सकता है। तो ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है कि फैक्ट्री इंक्रीज होने लगी और इंग्लिश लैंडस्केप ये एक मेन पार्ट ऑफ बन गया जहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई और न्यू मिल्स के साथ अब न्यू मिल्स भी इम्पोज होने लगी और मैजिकल सीन टू द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की पावर अब देखने लायक थी। जो भी देखता था वो देखते रह जाता था और दे कंसर्ट देयर अटेंशन ऑन द मिल, अब सबका ही मिल पे अटेंशन था और फॉर गेटिंग बाय लैंड सब बाय लैंड और वर्कशॉप, यानी जो जगह पे और जगह पे काम कराया जाता था उसको और वर्कशॉप्स को सबको अब इतना ध्यान पे नहीं किसी ने रखा क्योंकि अब मिल और टेक्नोलॉजी पे सबका ध्यान जा रहा था, बाय लैंड और वर्कशॉप्स पे इतना नहीं जा रहा था लोगों का ध्यान। तो ये वो चीज बताई है कि और यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना, रिचार्ड आर्कराइट द्वारा जो क्रिएट की गई थी कॉटन मिल, उसके फायदे और नुकसान दोनों इसके अंदर मैंने बता दिए हैं कि और ये भी आपको इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना है कि 17 सेंचुरी से फैक्ट्रीज इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन 18 सेंचुरी में इंक्रीज होना शुरू हुई और उसके बाद 19 सेंचुरी में तो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हुई। तो 18 सेंचुरी में ही जो यहाँ पे बताया आर्कराइट की मशीन आ चुकी थी, तो यहाँ पे 18 सेंचुरी में ही रिचार्ड आर्कराइट की स्टार्टिंग में तो ये सेटअप लगाना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये कॉस्टली थी और क्योंकि गांव में लोगों के द्वारा काम किया जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब फैक्ट्री का सब कुछ जो एरिया है यहाँ आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे फैक्ट्री कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है क्योंकि यहाँ से ये पॉल्यूशन निकल रहा है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि अब पहले से ज़्यादा इंडस्ट्री इंक्रीज हो गया। द पेस ऑफ इंडस्ट्री चेंज, तेजी से इंडस्ट्री तेज होना कैसे हुई और किस तरीके से उन्होंने ग्रो करी। पहला तो इन्होंने फर्स्ट में बोला है हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, का प्रोसेस तेज कैसे रहा और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करती है फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो कैसे ये हमें समझना है। फर्स्ट से कौन से समझे तो डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन में क्लियरली कॉटन की मेटल की ग्रो हुई। तो कॉटन की और इसकी ग्रो होने पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन 1840 तक ग्रो हो चुकी थी, आयरन स्टील की भी और उसके बाद एक्सपेंशन रेलवे का भी बढ़ गया था 1840 तक और 1860 तक, यानी अगर आप 1840 से लेकर 1860 तक बात